नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी और मैं हूं आपके साथ नमन मटके। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं चोइथराम फल और सब्जी मंडी में, जहां लगातार जो लहसुन की आवक है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति देखने मिल रही है। चूंकि पहले जो समय था उसमें लहसुन के दाम लगातार बढ़े, उसके बाद अब लहसुन के दामों में एक बार फिर कमी आई और उसके बाद अब जो है लगातार दाम 10 से 15 रुपये बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। किसान हैं, उनके पास चलते हैं, जानते हैं क्या कुछ स्थिति की बार लहसुन की खेती में रही, कितना उत्पादन हुआ और किस तरह का दाम उनको अब लहसुन की फसल का मिल पा रहा है। सीधे जानते हैं, क्या नाम है भैया? धीरज चौहान। धीरज भी क्या लेकर आए हैं? लहसुन लेकर आए हैं। लहसुन कितने कट्टे लेकर आए? लहसुन 3 कट्टे, बाकी तो बेच दिए। क्या दाम गया आज? आज गया 4560। अच्छा, ऊपर में कितना गया मंडी में? आज 1500-1600 देखा। और नीचे में? नीचे में यही 4500-3000। अच्छा, अब दाम लगातार दाम में उतार चढ़ाव की स्थिति है। आवक भी कम ज्यादा के ऊपर है। ऊपर है। चलिए, कितना उत्पादन हुआ आपके बार अपने पास? अपने पास 25-30 कट्टे। अच्छा, पिछले साल की तुलना में साल उत्पादन अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? राजेंद्र सिंह। क्या लेके आए राजेंद्र भाई? लहसुन। कितना लाए हैं? 4 कट्टे। अच्छा, क्या स्थिति देख रहे हैं लहसुन के व्यापार में और लहसुन की खेती? अभी आपने किया, लहसुन आया है? बढ़िया है अभी तो स्थिति। अच्छा, ठीक है। दाम में कोई उतार चढ़ाव देखा? दाम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। इस कारण से। हाँ। चलिए, और कितना बोया था लहसुन अपन ने? 5 बीघे की थी। अच्छा, और उत्पादन कितना आ गया? उत्पादन अच्छा आया था। अच्छा। हाँ। उत्पादन ठीक ठाक आया? हाँ, ठीक है। अच्छा, लहसुन के दाम लगातार बढ़ रहे थे, अब कम हो गए हैं? हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, वो तो चलता रहता। हाँ, है थोड़ा बहुत चलता रहता है ऊपर नीचे। अच्छा, लहसुन के दाम से संतुष्ट है अभी? हाँ, संतुष्ट है। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? शेखर ठाकुर। शेखर भाई, क्या लेके आए? लहसुन। कितना असर अब की बार लहसुन की खेती पर मौसम का पड़ा? पड़ा है, उसमें खराब भी हुई लहसुन। अच्छा, लहसुन खराब भी बहुत हुई उसमें। जब भी 1 बीघे का 25 से 30 कट्टे का पड़ा है। हाँ। पड़ा है। और फिर लहसुन में अगर असर पड़ा है तो फिर दाम भी कम गए होंगे आपके पास? हाँ, इस बार अपने दाम के लिए तो संतुष्ट है, हमको दिक्कत नहीं है। अच्छा, और यदि बात करें तो उससे कह रहे कि उत्पादन कम हुआ इसलिए दाम जो है ज्यादा है? हाँ, ज्यादा। अच्छा, तो लागत के मुकाबले अच्छा दाम मिल गया? हाँ, अच्छा मिल गया, बढ़िया दाम मिला। चलिए, अनुभवी किसान है, उनके पास भी चलते हैं। दादा, ऐसा कहा जा रहा है कि किसानों के पास अभी लहसुन का जो स्टॉक है वो ठीक ठाक मात्रा में है, क्या वाकई है इस स्थिति? हाँ है, अभी तो माल है किसान के पास। अच्छा, स्टॉक रखा है किसान के पास अभी? हाँ है स्टॉक। अच्छा, अब कब तक ये स्टॉक पूरा निकल जाएगा, क्या संभावना है? ये तो अक्टूबर नवम्बर तक ही चलेगा। अच्छा, अक्टूबर नवम्बर तक चलेगा। अच्छा, कितना स्टॉक कर सकते हैं लहसुन अधिकतम? अक्टूबर नवंबर दिसंबर आखिरी रहता है। अच्छा, उसके बाद फिर नया लहसुन आ जाएगा? हाँ, जनवरी में नया लहसुन आ जाएगा। अच्छा, तो फिर जब नया लहसुन आ जाएगा तो मतलब संभावना है कि आने वाले समय में दाम बढ़ जाएंगे, मिलेंगे बढ़ के? नहीं, इसकी तो कोई किसान तो नहीं बता सकता है। किसान नहीं बता सकता कि इसका दाम बढ़ेंगे कि घट जाएंगे, इसका अंदाज किसान को, मतलब किसान के पास स्टॉक है हम कह सकते हैं? हाँ है, थोड़ा माल अभी स्टॉक है। स्टॉक है, प्रॉपर स्टॉक किसान के पास है। चलिए, आपके यहाँ पर भी होगा स्टॉक? कहाँ से लेके आए लहसुन? राजूदा से लेके आए। राजूदा। अच्छा, तो फिर धीरे धीरे स्टॉक क्लियर हो रहा है? हाँ, धीरे धीरे हो रहा है। जिसके बाद 50 कट्टे वो 10 ला रहे 15 ले रहा है, इसके धीरे धीरे बाकी जो स्टॉक है वो तो ऑलरेडी यही से स्टॉक। अच्छा। हाँ, तो मतलब हम कह सकते हैं कि फिर स्टॉक जब तक रहेगा तो फिर लहसुन की कमी नहीं होगी, आवक बराबर से रहेगी मंडी में? हाँ, स्टॉक तो है, पर इस साल पिछले साल की तुलना में कम है स्टॉक। अच्छा। हाँ, पिछले साल अच्छा था स्टॉक? हाँ, इस साल माल का उत्पादन कम है, इसकी वजह से स्टॉक भी कम ही रहे। अच्छा, उत्पादन पे क्या मौसम का सर? हाँ, मौसम की वजह से इस साल वो धुआं गिरता है नहीं। हाँ। वो गिरा नहीं, इसकी वजह से माल का उत्पादन कम रहा है इस साल। चलिए, तो निश्चित तौर पे किसान थे जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाला जो वक्त है उसमें जो किसानों के पास स्टॉक है वो भरपूर मात्रा में है, यही कारण रहेगा कि आने वाले समय में जो आवक है उस पर कोई असर पड़ता है यहाँ पर नजर नहीं आएगा, और आने वाले समय में जो लहसुन की आवक है वो भी हो सकता है बढ़ जाए और दाम में भी इसका इफेक्ट जो है वो आने वाले समय में हमको दिख जाए। इंदौर के चोइथराम फल सब्जी मंडी से नमन।